बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट की। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक औरत अपने शोहर से खुला लेना चाहती है, इनके डेजोलेशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, तो उसकी प्लेंट कैसे ड्राफ्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे उसकी रिटर्न स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे। तो वैसे ही आप लिखेंगे ऑन द टॉप ऑफ योर पेपर, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज विथ पावर ऑफ फैमिली कोर्ट लाहौर। उसके बाद आप लिखेंगे इन रिप्लाई मसमात सबा बीबी। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे प्लेंट में जो प्लेंटिव थी वो सबा बीबी थी, डॉटर ऑफ मोहम्मद अकरम वर्सेस जो भी उसका शोहर है उसका नाम लिखेंगे मलिक इफ्तिखार अली रजा, सन ऑफ जो है इफ्तिखार अहमद। अच्छा जी, अब उसके बाद हम अपने जो हमारा टाइटल है उसके हम उसमें हम लिखेंगे सूट फॉर डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज। नीचे आप लिखेंगे ब्रैकेट में रिटर्न रिप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट, यानी कि ये जो रिप्लाई दिया जा रहा है ये जो डिफेंडेंट है उसका कौंसल लिख रहा है, इसलिए उसने ब्रैकेट में लिख लिया है कि रिटर्न रिप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट। इट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड एज अंडर। अब जैसे आपको मैंने लास्ट रिटर्न स्टेटमेंट में बताया था कि आपने प्लेंट में जितने भी पैराग्राफ्स होंगे वन बाय वन आपने सबका रिप्लाई लिखना है। इसी तरह से नंबर वन पैरा का रिप्लाई आप लिखेंगे एडमिटेड। अब आप रिकॉल करें कि प्लेंट में जब हमने लिखा था पैरा वन क्या था, चलिए मैं बताती हूँ। उसमें था कि जो हमारी प्लेंटी है सबा बीबी, उसकी शादी हुई थी इस जो हमारा डिफेंडेंट है उससे इस डेट को, तो उसने इसको एडमिट किया कि हाँ वाकई शादी इसी डेट को हुई थी। नंबर टू पे इसने रिप्लाई में लिखा है डिनाइड, यानी कि वो जो उसने नंबर टू अपनी प्लेंट में कहा है वो इसको उससे एग्री नहीं करता बल्कि इसको डिनाई करता है। द डिफेंडेंट नेवर कॉल्ड विद प्लेंटिफ एंड नेवर टर्न हर आउट ऑफ हिज हाउस। उसमें लिखा था उसने कि दो एक तीन साल तो मेरे साथ ये अच्छा रहा है लेकिन उसके बाद इसने मेरे साथ लड़ना शुरू कर दिया और फिर मुझे मारपीट मतलब मारा भी है और फिर मुझे घर से निकाल दिया। तो उसने कहा कि ना तो वो कभी उससे लड़ा है ना ही उसको उसने घर से निकाला है। नंबर थ्री उसने उसका आंसर किया जी नॉट कंसर्न। नंबर थ्री पे ये लिखा था कि एक साल से जो हमारी प्लेंटिफ है यानी सबा बीबी है वो अपने पेरेंट्स के घर में रहाइश पजीर है। उसने लिखा जी नॉट कंसर्न, यानी मुझे इससे कंसर्न नहीं है कि वो कहाँ पे रह रही है। अच्छा जी, नंबर फोर पे उसने जो रिप्लाई किया है वो है डिनाइड। द प्लेंटिफ एंड हर रिलेटिव नेवर अप्रोच्ड द डिफेंडेंट फॉर द सोल्यूशन ऑफ हर प्रॉब्लम्स, देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ acceptance or denial of the proposal like to haven't been given to the defendant by the relatives of the plaintiff। जैसे कि उसने कहा था कि मेरे रिश्तेदारों ने और हम लोग ने बड़ी कोशिश की है कि उससे मिले उसके शोहर से और उसके साथ कुछ सुलह करा दे या फिर कहे कि उसको घर ले दे या फिर उसको डाइवोर्स कर दे, तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई नहीं है मेरे जो डिफेंडेंट के मुताबिक उसके पास तो कोई बंदा पहुंचे ही नहीं है कि वो उन दोनों की कोई पैचअप करवा दे या फिर उसको डाइवोर्स दे दे। नंबर फाइव पे उसने आंसर किया जी लीगल, मतलब ये कि जैसे उसने बताया था कि हम लोग लाहौर के रिहाशी हैं, प्लेंट में ये लिखा था नंबर फिफ्थ पे और इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है, तो उसने इसको आंसर किया है कि ये लीगल शिक है, इसको एक्सप्लेन करने की इसका आंसर करने की जरूरत नहीं है। नंबर सिक्स पे उसने लिखा था जी कि जो कोर्ट फी है वो हमने लगा दी है तो वो भी लीगल है। और नंबर सेवन पे जो भी उसने बात कही थी कि उसका आंसर जो वो भी उसने लीगल लिखा है। तो उसके बाद जो डिफेंडेंट है वो प्रेयर क्या लिखेगा, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज प्रेड एज अंडर दिस सूट मे काइंडली बी डिसमिस्ड, हैवी कॉस्ट ऑफ मे आल्सो बी अवार्डेड टू द डिफेंडेंट, एनी अदर रिलीफ टीम पॉसिबल बाय द ऑनरेबल कोर्ट मे आल्सो बी ग्रांटेड। उसके बाद लिखेगा डिफेंडेंट थ्रू काउंसिल और देन काउंसिल के साइन होंगे, उसी तरह से एंड पीस की वेरिफिकेशन होगी, वेरीफाइड ऑन ऑथ एट लाहौर ऑन दिस डेट, जो भी डेट होगी वो लिखी जाएगी। That the content of this written statement are true and correct to the best of my information and belief and nothing here in has been concealed from this court। वो कह रहे हैं कि जो भी मैंने रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा है वो मेरी उसके इंफॉर्मेशन के मुताबिक और मेरे बिलीव के मुताबिक करेक्ट है और कोई भी चीज़ कोर्ट से छुपाई नहीं की। इस तरह से जो है वो इसके रिटर्न स्टेटमेंट का आंसर देगा। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे भी कोई सिविल सूट लाइक फर्ज करें, जैसे जो प्लेंटिफ थी उसने कोई सिविल सूट फाइल करने का प्लान किया है, तो जो उसका काउंसिल होगा सबसे पहले एक लीगल नोटिस भेजेगा अदर पार्टी ने के डिफेंडेंट को कि हमें तुम्हारे अगेंस्ट ये एलिगेशंस हैं, हम तुम्हारे खिलाफ जो है सिविल सूट फाइल करने लगे हैं। अगर तो जो डिफेंडेंट होगा या अगर दूसरी पार्टी होगी अगर तो वो ये समझे कि मतलब मुझे मसला कोर्ट जो है बगैर हल कर लेना चाहिए, तो वो अपनी अपने जो भी उसका है
जो पार्टी होगी प्लेंटिफ होगा उसको अप्रोच करेगा और उसके कौंसल से यह मिलेगा। इस तरह से जो उसका लॉयर होगा वो एज ए कंसिलिएटर कह लें या एज आर्बिट्रेटर कह लें उनका मसला सॉल्व करवा सकता है। लेकिन लीगल नोटिस के बाद भी जो डिफेंडेंट होगा वो अप्रोच नहीं करता या फिर अपना मसला सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता, तो उसके बाद जो है उसको जो प्लेंट की जो है वो प्लेंट जो है वो जो भी जो प्लेंटिफ है सिविल सूट जो है उसका फाइल कर देगा अपने सिविल कोर्ट में, और फिर जो कोर्ट है उसको लीगल नोटिस यानी कि उसको समन भेजवाएगा कि वो आके इस प्लेंट को आंसर करे और अपना जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बताए। तो आज हमारा टॉपिक यही था, इंशाल्लाह कल किसी नए टॉपिक से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।